हे गाइस, वेलकम टू टेक फॉर माइंड। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 7 जॉब एड्स के बारे में। एंड आज की वीडियो में आप सभी एलिजिबल होने वाले हो। आपने डिग्री में कुछ भी करा हो, लाइक बी बी टेक, एम ई एम टेक, बी सी ए, बी एस सी, बी कॉम, डिप्लोमा, एक्स वाई जेड कुछ भी करा हुआ है, आप एलिजिबल होने वाले हो, अप्लाई कर सकते हो। आप सभी को मौका मिलने वाला है एग्जाम देने का। एंड आज की वीडियो में बात करने वाले मल्टीपल जॉब रोल्स के बारे में। काफी स्टूडेंट कमेंट करते हैं हमें जावा की जॉब चाहिए, एसक्यूएल की जॉब चाहिए, फुल स्टैक की जॉब चाहिए, पाइथन की जॉब चाहिए। तो आज की वीडियो में इन सभी जॉब रोल्स के बारे में देखने वाले हैं। एंड 6 जॉब के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम होने वाला है, आपको एग्जाम क्लियर करना है। एंड आपको जॉब मिल सकती है आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में, वीडियो को लास्ट से देखिएगा। एंड इन सभी के अप्लाई करने का लिंक आपको मिलने वाला है, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करिएगा, अप्लाई करिएगा। ना बात करें जॉब्स के बारे में जो कि जीएफजी की तरफ से आ रही है। तो जीएफजी का जॉब ऑथन 8 हो रहा है, जो कि एक हायरिंग चैलेंज है। एंड इस चैलेंज में 6 कंपनी ने पार्टिसिपेट करा हुआ है। मीन्स आप लोग एग्जाम क्लियर करते हुए वाला टेस्ट क्लियर करते हो, आपको मौका मिलने वाला है इन सभी कंपनियों में इंटरव्यू देने का। बात करें कंपनी के बारे में कि कौन कौन सी कंपनी हायरिंग करने वाली है इस चैलेंज से। तो फर्स्ट कंपनी है एनईसी कॉर्पोरेशन, जो कि हायरिंग करने वाली जावा के लिए, डॉटनेट के लिए, जिसके लिए आप सभी को 5 महीने का पैकेज मिलने वाला है। देन सेकेंड कंपनी है वॉकओवर, जो कि हायरिंग करने वाली पाइथन डेवलपर के लिए। एंड इस जॉब रोल के लिए आप सभी को 6 सैलरी तक का पैकेज मिलने वाला है पर एनम के हिसाब से। एंड थर्ड कंपनी है सुपर के, जो कि हायरिंग करने वाली है फुल स्टैक के लिए, जिसके लिए आप सभी को 40 LPA तक का पैकेज मिलने वाला है पर एनम के हिसाब से। देन फोर्थ कंपनी है हेडस्ट्रेट, जो कि हायरिंग करने वाली है कोर जावा के लिए, मस्टैक के लिए। एंड इस जॉब रोल के लिए आप सभी को 6 LPA तक का पैकेज मिलने वाला है पर एनम के हिसाब से। देन फिफ्थ कंपनी है मोइंगेज, जो कि हायरिंग करने वाली है ट्रेनी पोजीशन के लिए, जो कि इंटर्नशिप होने वाली है। एंड इसके लिए आप सभी को 50,000 का स्टाइपेंड मिलने वाला है पर मंथ के हिसाब से। लास्ट कंपनी है डिजिट इंश्योरेंस, जो कि हायरिंग करने वाली है AI के लिए, ML के लिए, डेटा इंजीनियरिंग के लिए, डेटा विजुलाइजेशन के लिए। एंड इस कंपनी का मल्टीपल जॉब रोल्स हैं, आपको जो भी जॉब रोल चाहिए, जो भी फील्ड चाहिए जॉब के लिए, आपको वो मिल सकता है कंपनी में सेलेक्ट होने के बाद। एंड इन सभी के अलावा एक अपडेट और है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। लेकिन पहले बात करते हैं जीएफजी के बारे में। तो इनका हायरिंग चैलेंज होने वाला है, जो कि स्टार्ट होगा 21 अप्रैल से 8 PM से, एंड एंड होने वाला है 21 अप्रैल को ही 10:30 PM को। एंड अगेन रिपीट करता हूँ, आप सभी को मौका मिलने वाला है एग्जाम देने का। जो भी अप्लाई करेगा सभी को मौका मिलने वाला है एग्जाम देने का। एग्जाम क्लियर करने का आपको जॉब मिलने ही वाली है कंपनी में, इसीलिए कह रहा हूँ अप्लाई करेगा आपको जॉब मिल सकती है कंपनी में आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, एग्जाम के अटेंड के बारे में, तो कंपनी ने मेंशन करा हुआ है जो भी आपका एग्जाम होगा 4 पार्ट में होने वाला है। मींस 4 सेक्शन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। फर्स्ट होगा कोडिंग का, जिसमें 3 क्वेश्चन आने वाले हैं DSA के। देन सेकंड होगा प्रोग्रामिंग लॉजिक का। देन थर्ड होगा लॉजिकल रीजनिंग का। एंड फोर्थ होगा FT का, जो कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। देन एग्जाम क्लियर करते हुए आपको इंटरव्यू होने वाला है जिस भी कंपनी के लिए आपने अप्लाई करा होगा। एंड वन मोर पॉइंट, टेस्ट के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। अगर जो आपका क्वेश्चन है वो गलत होता है तो आपको पेनल्टी मिलने वाली है 5% की, इन्होंने मेंशन भी करा हुआ है। एक बार चेकआउट करेगा अप्लाई करने से पहले, तो अप्लाई करेगा, अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, आप सभी को जॉब मिल सकती है आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, आपके जॉब रोल्स के अकॉर्डिंग मल्टीपल कंपनियों में। तो बात करें अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि मेन पॉइंट होने वाला है। तो अप्लाई करने के 2 स्टेप है। फर्स्ट है आपको अप्लाई करना पड़ेगा इस कॉन्टेस्ट के लिए। आपको सिंपली एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन टू रजिस्टर वाला, उस पर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद लॉगिन करेगा एंड लॉगिन करने के बाद अप्लाई करेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप है। एंड कॉन्टेस्ट के लिए रजिस्टर करने के बाद आपको वापस आना पड़ेगा इसी पेज पर। एंड आपको दिखाई देगा सारी कंपनियों के नेम, उस पर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद उस टाइप के पेज खुलने वाले हैं। एंड आपको सिंपली एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई वाला, आपको अप्लाई करना पड़ेगा कंपनीज के लिए भी, जिस भी कंपनी में आपका इंटरेस्ट है, जो भी स्किल्स आपके पास है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड आप लोग चाहो तो सारी कंपनी के अप्लाई कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड होने वाला है। इन्होंने मेंशन भी करा हुआ है आपको एक के लिए अप्लाई करना है या सभी के लिए अप्लाई करना है, अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ एग्जाम के लिए करना है एंड उसके बाद आपको जॉब मिलने वाली है। तो अप्लाई करेगा, लिंक आपको मिलने वाला है, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करेगा। नवाद के लास्ट जॉब के बारे में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आ रही है, लेकिन उससे पहले एक अपडेट और है। कल ही मैंने वीडियो पोस्ट करा हुआ अमेजन के ऊपर, बिटवाइज के ऊपर, आप चेकआउट नहीं करा, अप्लाई नहीं करा, अप्लाई कर सकते हो। या इसके अलावा और भी कंपनी हायरिंग कर रही है, लाइक एडोबी है, रेप्लिकॉन है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है, हैकर रैंक है, ये सारी कंपनी हायरिंग कर रही है, चेकआउट करें चैनल पर, आपको जॉब मिल सकती है कंपनी में। नवाद करें माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट का इंगेज प्रोग्राम हो रहा है, जो कि हर साल होता है, लास्ट ईयर भी होता, उससे लास्ट ईयर भी होता एंड इस साल भी होने वाला है। एंड जिसको नहीं पता इंगेज प्रोग्राम के बारे में, उसको बता दूं, ये फ्रेशर के लिए होता है, कॉलेज स्टूडेंट के लिए होता है। एंड आप उसके लिए अप्लाई करते हो, कॉन्टेस्ट को क्लियर करते हो, तो आपको इंटर्नशिप मिलती है माइक्रोसॉफ्ट में एंड आपको फुल टाइम जॉब का ऑफर मिलता है कंपनी की तरफ से। तो ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है, एलिजिबल हो तो डेफिनेटली अप्लाई करेगा। बात करें पर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो कंपनी ने मेंशन करा हुआ है आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हो एंड आप लोगों ने एनरोल करा हुआ 24 बैच के लिए इंजीनियरिंग ब्रांच में, या फिर बैचलर डिग्री कर रहे हो, मास्टर डिग्री कर रहे हो, डुअल डिग्री कर रहे हो, एलिजिबल होने वाले अप्लाई कर सकते हो। एंड आप सभी का एटलीस्ट 6 CGPA होना चाहिए आपकी बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, आप जो भी कर रहे हो 6 CGPA है या उससे ज़्यादा है, अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल होने वाले हो। बात करें इस कॉन्टेस्ट के बारे में, इस कॉन्टेस्ट में क्या करने वाले हो, क्या होने वाला है, तो कंपनी ने 3 चैलेंज दिए हुए हैं।
फर्स्ट है फेज रिकॉग्निशन के ऊपर, सेकंड है डेटा एनालिसिस के ऊपर, थर्ड है एल्गोरिथम के ऊपर। तो ये थ्री चैलेंज है, आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको डिजाइन करना पड़ेगा वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। एंड इसके लिए आप लोग कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, जो भी लैंग्वेज आपको आती है उसको यूज करेगा। एंड डिजाइन करने के बाद, डेवलप करने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा इनको। एंड जो सबमिट करने का तरीका है, पहले आपको वीडियो बनाना पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। आपने जो भी बनाया होगा उसका डेमो वीडियो बनाएगा। वीडियो बनाने के बाद, डेमो वीडियो बनाने के बाद सोर्स कोड को अपलोड करेगा गिटहब पर। एंड सबमिट करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट को। देन जो कंपनी के मेंटर होने वाले हैं आपको जज करने वाले हैं। एंड उसके बाद आपको सेलेक्ट होते हो कंपनी में, तो आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, जॉब करने का मौका मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट में। तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, अप्लाई करेगा। एंड अप्लाई करने के लिए सिंपली एक ऑप्शन मिलने वाला है, ऊपर आएगा एक अप्लाई वाला ऑप्शन होगा, रजिस्टर नाउ वाला, उस पर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद फॉर्म फिलअप करेगा। एंड आपको अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है तो एक ऑप्शन होगा हाउ टू रजिस्टर वाला, उस पर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद पीडीएफ खुलने वाली है, इन्होंने मेंशन करा हुआ स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको अप्लाई करना है। एक बार चेकआउट करेगा अप्लाई करने से पहले, देन अप्लाई करेगा, फॉर्म फिलअप करेगा। शॉर्टलिस्ट होते हो, आपको मौका मिलने वाला है इंटर्नशिप करने का। एंड आपको जॉब भी मिल सकती है माइक्रोसॉफ्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, अप्लाई करेगा। कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, मैं आप सभी की हेल्प कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।